हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वीके एजुकेशन क्लासेस। आई एम विक्रम कुमार गौतम। बेटा, अब तक हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर सेकेंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था क्या, टी सूच। याद है आपको कि हमने पिछले लेक्चर्स में जो भी एक या दो लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए होंगे, जिसमें हमने टी सूच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर रिकॉल करें तो बेटा, हमने टी सूच की डेफिनेशन देखी थी कि टी स्विच क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं वो। सिंगल सेल के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था और भी सारे सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अब फाइनली जो रह गया हमारा, वो हमने अगर पिछले ही जस्ट लेक्चर को बात करें तो हमने टी स्विच को दो प्लांट टी स्विच के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो प्लांट टीस्यू पर चल रहा है। हम एनिमल टीस्यू का बाद में पढ़ेंगे, तो हम प्लांट टीस्यू को भी क्या करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। प्लांट टिश्यू में हमने पिछले लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया हुआ था कि प्लांट टिश्यू आपको दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है विभोज ऊतक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा जो पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं अस्थायी ऊतक, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। याद रख, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा डिटेल में हमने बता दिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है। हमने उसके टाइप भी देखा था पिछले लेक्चर्स में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है, उनके पोजीशन के आधार पे हम उनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड किए हुए तीन प्रकार के। पहला हमने देखा था एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा देखा था लैटरल मेरिस्टेम, और तीसरा हमने डिस्कस किया हुआ था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। याद होने चाहिए सारे के सारे, हम फिगर आपको एनसीईआरटी का भी बनाया था। अब हम अगले पॉइंट आते हैं हम बेटा अपने किस टिश्यूज पे, तो वो हमारा बचा रह गया है कौन सा, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो फिर आते हमने यहाँ पे आपको नोट डाउन किया हुआ है, देखो हमने टिश्यू का लेक्चर चल रहा है जिसमें से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बता रखा, ठीक है। इसमें हमने तीन टाइप्स को डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, फिर हमने बताया परमानेंट टिश्यू। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बिल्कुल परमानेंट टिश्यू पे ही होगा, ठीक है, कि परमानेंट टिश्यू क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी बताया था कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होती है, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछ रखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो डिवाइड होती है, तो उसमें कि बार बार डिवाइड करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो कि ग्रोथ करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। लेकिन क्या होता है, वो जो नई सेल्स बनती हैं वो कहाँ जाती है, आखिर वो बार बार जो नई सेल्स आपको डिवाइड होकर बन रही हैं, डिवाइडेशन की वजह से बन रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वो सेल्स आपको कैपती क्या, तो वही ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी का ही मैटर मैं ले रहा हूँ। तो जो परमानेंट टिश्यू होती है वो आपको जनरली मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होती है, जो बार बार डिवाइड करती है, तो जो नई सेल बनती हैं वो जनरली क्या होती हैं, उनमें से कुछ सेल जो होती है अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होती है, एबिलिटी जो होती है, वो लॉस कर देती है, खो देती है, अर्थात वो डिवाइड नहीं कर पाती, ठीक है। उसमें से कुछ टिश्यू जो होती है डिवाइड नहीं कर पाती हैं, अपनी कैपेसिटी क्या करती हैं, खो देती हैं, जिसकी वजह से वो एक स्पेशल टाइप का क्या करती है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहलाने लगती है, और वो स्पेशलाइज्ड जो विशिष्ट प्रकार की ऊतक का फॉर्मेशन करती है, और उनका शेप भी क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनका चेंज हो जाता है। तो वो स्पेशल शेप धारण कर लेंगी, स्पेशल शेप उनका अरेंजमेंट होगा, और वो उनमें क्या होगी, डिवाइडेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, अर्थात वो परमानेंट टिश्यू का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो ध्यान है, परमानेंट जो टिश्यू होती है वो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही निर्मित होती है। अंतर बस इतना है कि परमानेंट टिश्यू डिवाइड करने की एबिलिटी खो देती हैं, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहलाती हैं, स्पेशल टाइप का फंक्शन आपको क्या होती है, फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और परमानेंट टिश्यू कहलाने लगती है, जबकि बनी होती है किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। क्लियर हो गया ना, आते आगे कि परमानेंट टिश्यू जो होती है वो जनरली क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही निर्मित क्या होती है, पार्ट होती है उसका, जो परमानेंट भाग बन जाती है, ठीक है। उनमें कह रहा है, उनमें भी कई टाइप्स के आपको टिश्यूज होंगे, पहले हमने आपके नाम लिख दिए हैं, उसके डिस्कस कर लेते हैं और अकॉर्डिंग चलते हैं उसे। पहले हमने बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती है उनमें भी आपको दो टाइप्स के मिलते हैं। एक मिलता है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा मिलता है बेटा आपको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यही आपको देखने को मिलेगा, एक सरल अस्थायी ऊतक होता है, और दूसरा जो होता है वो आपको कहलाता है बेटा, वो कहलाता है जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। क्या कहलाता है, जटिल अस्थायी ऊतक,
तो आज हम डिस्कस कर लेंगे किसके बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपको क्या कहते हैं कि तीन प्रकार की टिश्यूज मिलती है। ध्यान सुनेगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको तीन प्रकार की टिश्यू देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी होती है वो पहले नाम आपको जान लो। पहला होता है पैरेंकाइम, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है आपको कोरेनकाइमा, और तीसरी एक प्रकार की मिलती है जिसको कहते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो हमको कितने टाइप्स को देखने को मिली, आपको कितने देखने को मिली, याद है सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार को मिली। एक हमको मिला पहला पैरेंकाइमा, दूसरा हमको मिला क्या होता है कोरेनकाइमा, और तीसरा जो टाइप्स मिला हमको वो मिला स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों के बारे में यहाँ से हम जानकारी लेंगे और हम इसको क्या करते हैं फिनिश कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। ठीक है, तो कंटिन्यूस करें तो आपको देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इनमें जो होता है जनरली क्या हुआ, देखिएगा जो सरल अस्थायी ऊतक का जो हम बात कर रहे हैं इनमें क्या होता है सरल अस्थायी ऊतक में, तो ध्यान रखिए एपिडर्मिस, एक जब आपकी बुक में एक सेक्शन कट करके दिया हुआ था लेकिन हमने बनाया नहीं आपको ये सेक्शन, देखो एक दिन अलग से डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है, तो फिगर दिया हुआ उसका हम अलग से फिगर के बारे में डिस्कस कर लेंगे जब टिश्यूज खत्म हो। एक सेक्शन कट कर किया हुआ है और सेक्शन कट करके ऐसे दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस पे कुछ इस तरह की सेल्स पाए जाएंगे। इसके ऊपर एक आवरण होगा बेटा, समझने के बाद तो ध्यान रखिएगा जो सबसे ऊपर आवरण होता है चाहे वो स्टेम का हो चाहे वो रूट के सेक्शन हो, वो सेक्शन कट करके हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, जो इनसाइडिंग तरह का, तो जो ऊपर का जो आवरण होता है उसको जनरली बोला जाता है क्यूटिकल कहा जाता है। ठीक है, नाम याद रहे, उसको बोलते हैं बेटा क्यूटिकल कहा जाता है। उसके नीचे जो ऊपर वाली सेल्स होती है, ये वाली सेल्स जो देख रहे हो इस सेल्स को बोलते हैं बेटा, ये जो लेयर बनाती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है और इसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र हम डिटेल में करेंगे फिलहाल, लेकिन आपको हम टिश्यूज के बारे में देखते हैं। देखिएगा एपिडर्मिस के नीचे आपको क्या होते हैं, एक क्या होते हैं कुछ परतें होती हैं, इनके कोशिकाओं की कुछ परतें पाई जाती हैं और जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, और इनमें ध्यान रखिएगा हमने कहा कि एपिडर्मिस के नीचे कुछ सरल कोशिकाओं का क्या होता है आपको जाल बिछा रहता है, वहाँ पे पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और उनमें से मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होती हैं वो पार्ट बनाती हैं आपको किसको पैरेनकाइमेटर टिश्यू, वो मोस्ट ऑफ द किसकी बनी होती है पैरेनकाइमेटर टिश्यू की बनी होती है बेटा, सबसे ज़्यादा पैरेनकाइमेटर सेल ही पाई जानी होती है, और यह पतली कोशिका भित्ति वाली होती है और सरल कोशिकाओं की बनी होती है। अर्थात क्या कह रहा है कि इनमें जो कोशिका भित्ति होती है पढ़ा हुआ है ना हमने सेल वॉल, इनमें सेल वॉल जो होगा वो थिन सेल वॉल की बनी होती है और सरल कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, और ये कॉम्पैक्टली क्या होता है, ये जनरली क्या होता है सरल कोशिकाओं की बनी होती है, और ये आपको जीवित कोशिका होती है। ठीक है, इनमें जो सेल वॉल होगा इस पैरेनकाइमेटा में सबसे ज्यादा एपिडर्मिस के नीचे, ध्यान सुनो फिर से, एपिडर्मिस के नीचे मोस्ट ऑफ द जो सिंपल सिंपल परमानेंट टिश्यू पाई जाती है वो होती है आपको पैरेनकाइमेटस टिश्यू होती है, जिनमें आपको सेल वॉल क्या होती है उनकी कोशिकाओं में थिन होती है पतली होती है और उनकी कोशिकाएं बड़ी सरल कोशिकाओं से निर्मित होता है वो टिश्यू जो पैरेनकाइमेटस है सरल कोशिकाओं का, और ये एक लिविंग सेल कहलाते हैं। ध्यान से रखिएगा वो एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या कराती है बेटा लिविंग सेल कराती है, और ये प्रायः बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। वो क्या कह रहा है इंसान में कि ये बंधन मुक्त मतलब कॉम्पैक्टली आपस में बधी नहीं होती, लूज होती है, फ्री होती है, सब आपस में कॉम्पैक्ट तरीके से जुड़ी नहीं होती है, जिसके कारण ही क्या होता है इनकी कोशिकाओं के बीच बीच में आपको क्या मिलेगा क्या होता है रिक्त स्थान पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरटीशियल सेल्स बोलते हैं। उसका फिगर हम बना लेते हैं कुछ सेलों का, जैसे आप जनरली बेटा सेल ले लो, कुछ कहा ले लो फिगर आपको दे रखा हुआ इंसान सब दिया, ये मान लीजिए आपको सेल्स है। ठीक है, इन सेलों के बीच में हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये खाली स्थान जो हम थोड़ा सा ऐसे कर देते
इनकी कोशिका भित्ति, ये मान लीजिए पैरेन्काइमेटस टिश्यूज है, फिगर भी आपको दे रखा हुआ, फिगर बेटा आपको देखना चाहते हो तो फिगर देख लो एक बार, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू देखो ये लिखा हुआ ना अंतरकोश के स्थान, तो ये भी पैरेन्काइमा, ये सेक्शन आपको लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, दोनों प्रकार से सेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो दो टाइप से देखा गया है दोनों सेक्शन से, वो फिगर आपको बनाने पड़ेंगे इंसाइड के ध्यान, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कौन से है इंसाइड जो मैं बना रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के तौर पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये टिश्यू मान लीजिए आपको पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये कॉम्पैक्टली आपस में जुड़ी नहीं रहती है, इसकी वजह से इनके बीच बीच में आपको खाली स्थान पाया जाता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं बेटा इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं, क्लियर हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, स्पेस पाया जाता है, और ये ऊतक में प्रायः आपको क्या होता है भोजन और वाटर क्या होता है स्टोर किया जाता है, देखिएगा भोजन का प्रायः इनमें क्या होता है सॉरी फूड का क्या होता है स्टोरेज होता है, तो ध्यान रखिएगा पैरेन्काइमेटस जो टिश्यूज होती है उनमें किसका स्टोरेज होता है, तो आप बताओ किसका, मैक्सिमम फूड का जो स्टोरेज होता है पौधों में वो कहाँ होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में होता है, ठीक। अब आती है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे दो हमने क्लोरीन कार्बन लिखा हुआ है एरन कार्बन लिखा हुआ है, दो है ना, देखो क्लोरीन कार्बन और क्या होता है एरन कार्बन, कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू में, सब की बात नहीं कर रहा, कर रहे हैं बेटा कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू में उनमें क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ध्यान रखिएगा कुछ पैरेन्काइमेटस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है ये आपको ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ध्यान रखिएगा पौधे पौधे में जो भोजन बनता है वो बेटा आपको फोटोसिंथेसिस की वजह से बनता है, और पौधे में जो ग्रीन कलर आता है मैक्सिमम लीफ में, देखो लीफ ग्रीन होती है, तो उसमें ये कहा जाता है कि क्लोरोफिल मैक्सिमम नंबर में वहाँ पर पाए जाते हैं, जो आपको क्या होता है क्लोरोफिल जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो जनरली क्या होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही होती है, और उन उन कुछ सेलों में पैरेन्काइमेटस में जिसमें आपको क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसमें आपको क्या बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है फूड का निर्माण होता है, तभी तो पैरेन्काइमेटस किसका स्टोरेज करता है फूड का स्टोरेज, तो पैरेन्काइमेटस जो होता है ये ध्यान रखो यहाँ पे लिख लो, ये क्या करता है फूड का स्टोर भी करता है, फूड स्टोरेज करता है, नोट कर सकते हो थोड़ा सा, तो ये फूड का स्टोरेज करता है, और फूड कैसे बना क्योंकि इसमें से कुछ जो सेल्स होंगी उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसी पैरेन्काइमेटस टिश्यू को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा फिर से बोलो मेरे साथ क्लोरेन्काइमा कहते हैं, समझ में आ गया है, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू है लेकिन उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी पैरेन्काइमेटस टिश्यू को हम आपको क्या कहा जाता है या आप उसे कह सकते हैं क्या क्लोरेन्काइमा कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, क्लियर हो गया। फिर ध्यान रखिएगा कुछ पौधों में, कुछ पौधे जो तैरने वाले होते हैं फ्लोटिंग पौधे होते हैं, जो जल में बेटा तैरते हुए आपने देखा होगा, जलकुंभी को देखा होगा, और भी कुछ पौधे हैं जो जल में तैरते हैं, ऐसे पौधों में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होती है पैरेन्काइमेटस में उनकी कुछ कोशिकाओं में टिश्यूज में आपको क्या होता है आपको एयर कैविटी पाए जाते हैं या फिर वायु कोष पाए जाते हैं जिसमें एयर भरा रहता है, ध्यान रखिएगा उसमें एयर सैक पाया जाता है, एयर कैविटी, एयर कैविटी, कैविटी मतलब होता है बेटा खाली स्थान, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसमें एयर कैविटी पाया जाता है जिसमें एयर भरा रहता है जिसकी वजह से ही वो क्या करते हैं फ्लोट कर पाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ट्यूब ले लीजिए, नहाते वक्त जाते हैं लोग तो ट्यूब रख लेते हैं ना, तो उसमें एयर भर लेते हैं तो देखो वो डूब नहीं पाते, तो कुछ पौधे भी वही मेथड अपनाते हैं, उन पौधे की टिश्यूज कैसे रहती है परमानेंट ही है, सिंपल परमानेंट, वो कौन से है पैरेन्काइमेटस है, और उनमें कुछ में क्या होता है एयर कैविटी पाने लगी, एयर कैविटी पाई जाती है जिसकी वजह से वो फ्लोटिंग, और किस में पाए जाते हैं तो फ्लोटिंग करने वाले पौधे होते हैं,
इसी वजह से ऐसी पैरन काइमेटिक टिश्यू को हम कहते हैं एरन काइमा कहते हैं। नाम याद रखिएगा, ये लिखा हुआ एरन काइमा। एरन काइमा में क्या पाया जाता है, एयर कैविटी पाई जाती है तो पैरन काइमा का ही पार्ट है। और क्लोरिन काइमा कब कहेंगे, जब उसमें क्लोरोफिल पाई जाएगी। तो क्लियर है ना। तो पैरन काइमा भी आपको दो तरह से हो सकती है, क्लोरिन काइमा एक आती है और एक आती है एरन काइमा। दोनों को हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। क्लोरिन काइमा किसे कहेंगे, वो पैरन काइमेटस टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उसको हम क्लोरिन काइमा। एरन काइमा किसे कहेंगे, ऐसी टिश्यू ऐसी पैरन काइमेटस टिश्यू जिसमें एयर कैविटी प्रेजेंट हो, और जनरली वो कहाँ पाया जाता है, फ्लोट करने वाले पौधे में पाया जाता है। हो गया ना क्लियर। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, हम बेटा डिस्कस करते हैं कोलेन काइमा। कुछ टिश्यू ऐसी होती है पौधे में जो लचीलापन आता है और जो स्ट्रेच आता है, क्या कहते हैं लचीलापन, जल्दी ऐसे कर सकते हो। आपको हम एनसीईआरटी का ही सेगमेंट से लेते हैं बेटा। हाँ ध्यान रखिएगा कि आपको जनरली क्या कहते हैं कि पौधे में लचीलापन का जो गुण आता है, जो लचीलापन आता है वो एक प्रकार की एक अस्थायी ऊतक पाई जाती है, एक दूसरी आपको अंदर टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू पाई जाती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। उस टिश्यू को हम कहते हैं बेटा कोलेन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोलेन काइमा। तो ये जो आपको फ्लैक्स बिल्ली आती है वो किसकी वजह से आती है, कोलेन काइमा की वजह से। ध्यान रखिए, जो पौधे में लचीलापन आता है, जो स्ट्रेस होती है, पत्तियां देखो बड़ी लचीली होती है, जल्दी टूटती नहीं है, और भी उसकी स्टेम भी कुछ पौधे की होती है जो लचीली हो जाती है, जो टूटती नहीं है। तो उन उनमें वो गुण कैसे आया, तो वो आप बताएंगे कौन सी टिश्यू पाई जाती है उसमें, तो आप नाम लेंगे किसका, कोलेन काइमा। ठीक है, कि कोलेन काइमा की वजह से क्या होता है, वो लचीलापन आता है। और ये आपको दिया हुआ है कि ये पौधों में यांत्रिक आपको क्या होती है, सहायता भी प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, इसमें लचीलेपन के कारण क्या होता है, ये आंतरिक सहायता भी प्रदान करती है। और ये जनरली क्या होता है, इपीडर्मिस के पणवृंत पे पाया जाती है। जो इपीडर्मिस होता है उसके जस्ट नीचे पणवृंत पाया जाता है, उसमें आपको क्या होता है कि ये पाई जाती है। और ये कोशिकाएं भी क्या होती है, जीवित होती है, लिविंग होती है। जैसे ये पैरन काइमेटस टिश्यू भी क्या क्या थी बेटा, लिविंग सेल थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी कैसी होती है, लिविंग होती है। ठीक है, ये भी आपको क्या होती है, जो क्लोरिन काइमा होती है वो भी आपको क्या होती है, लिविंग सेल्स कहलाती है। क्लियर हुआ। आगे आते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस आपको थोड़ा बहुत पाया जाता है, मोस्टली कॉम्पैक्ट होती है, ये अस्थायी होती है, मोटी होती है। और ये क्या होते हैं, कोनों पे, ध्यान रखिएगा ये कोनों पे काफी क्या होती है, मोटी होती है। फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि स्पष्ट है। ये बगल में आपको बना हुआ जो ये दोनों फिगर जो बने हुए बेटा, ये आपको कोलेन काइमा की है, इस टाइप की टिश्यू होती है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बड़ा कम पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें भी पाया जाएगा लेकिन कम पाया जाता है। और ये अपनी कोने वाली सेलों पे क्या होती है, मोटी होती है, सेल वॉल की वजह से होती है। ठीक है, सेल वॉल की वजह से क्या होता है, बेटा अपने कोने पे क्या होती है, बहुत मोटी होती है। और इनके बीच क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बड़ा कम पाया जाता है। ठीक, ये रहा। अब अगली पॉइंट है कि लास्ट वाली पॉइंट ध्यान रखिएगा, लास्ट पॉइंट आते हैं हम स्क्लेरल काइमा पे। आपने देखा होगा एक प्रकार की एक और टिश्यू पाई जाती है, अन्य प्रकार की ऊतक पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या, स्क्लेरल काइमा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरल काइमा एक प्रकार का स्पंजी टिश्यू होता है। ठीक है, ध्यान रखो, ध्यान सुनो, स्क्लेरल काइमा एक प्रकार का स्पंजी टिश्यू होता है। और ये हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है बेटा, ये आपको कठोर होता है, पौधे में कठोर और मजबूती प्रदान करता है। और जो आपने कहाँ देखा होगा, तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी दिया हुआ, जो आपने नारियल देखा होगा, कोकोनट देखा होगा, कोकोनट का ऊपरी जो रेशेदार आपका छिलका पाया जाता है, वो आपको इसी टिश्यू का क्या होता है, बना होता है। किसका बना होता है, स्क्लेरल काइमेटस टिश्यू भी देखो ना, वो स्पंजी टाइप का होता है। जनरली ऐसा इसलिए होता है, आपने देखा होगा बेटा क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे या फिर जहाँ पे जलीय स्थान होता है, केरल में देखा होगा, वहाँ पे नारियल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसकी सुविधा एडॉप्टेशन की वजह से ऐसा हुआ कि वो टिश्यू टफ होती है, बड़ी हार्ड होती है, उसके अंदर का जो इम्ब्रियो पाया गया वो डेड ना करने पाए, उसकी सुरक्षा करने के लिए होती है। और दूसरी बड़ी पॉइंट है कि वो जब उसका सिर गिरता हो नारियल, तो वो तैर कर अपने किनारे पे चला जाता है उसको बचाने के लिए, ताकि वो डेड ना करने पा जाए। तो वो कुछ जल को एब्जॉर्ब तो करती है, लेकिन वो आपको तैरते हुए वहाँ फ्लोटिंग करते हुए क्या होते हैं, दूसरी जगह पे चल जाते हैं। और बड़ा ही क्या होता है, हार्ड होता है। तो आप कह सकते हो मजबूती और जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है
वो आपको कौन सी टिश्यू होती है, वो स्क्लेरल काइमा होती है जो बड़ा मजबूती प्रदान करती है। और कहाँ पे पाया जाता है तो आप बताओगे, कोकोनट का जो रेशेदार छिलका होता है उसमें आपको क्या होता है, स्क्लेरल काइमा टिश्यू पाई जाती है। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपको टिश्यू जो होती है बेटा ये डेड टिश्यू होती है। ध्यान रखिए, अब तक हम सारी लिविंग टिश्यू पढ़ रहे थे, इसलिए ये आपको डेड सेल्स की बनी होती है, डेड टिश्यू होती है, डेड टिश्यू होती है अर्थात मृतक ऊतक होता है, ये मृत ऊतक की बनी होती है, ठीक है, ये मृत ऊतक की बनी होती है और ये लंबी होती है और पतली होती है। और इनकी जो होती है, इनकी इस ऊतक की जो भित्ति होती है, जो सर्वॉल होती है, एक लिग्निन नाम का क्या होता है, लिग्निन नाम का क्या होता है, पदार्थ होता है, केमिकल होता है, उसकी बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो सर्वॉल होती है, सर्वॉल जो होती है, भित्ति जो होती है, वो किसकी बनी होती है, लिग्निन। लिग्निन होता क्या है, एक केमिकल होता है बेटा, वो आपको क्या होता है, एक टफ टाइप का क्या होता है, केमिकल होता है, इतना समझते थे, एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, जो लिग्निन होता है वो इस स्क्लेरल काइमा में क्या होता है, प्रेजेंट पाया जाता है। और लिग्निन के कारण इसकी जो भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है, लिग्निन के कारण ही इसकी सरवाल जो होती है बहुत मोटी होती है, अर्थात इनमें बहुत पतली पतली सरवाएं पाई जाती थी, लेकिन इसमें बड़ी मोटी सरवाल पाई जाती है, ठीक है। और इनमें भित्ति जो मोटी होती है, किसका कि भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सेल के अंदर, इनकी टिश्यूज के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। क्या हो गया ना, क्लियर हो गया, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखिएगा। और यह उधर तले में संवहन बंडल के सभी पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है, यह पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। बस इतना सा लिखा हुआ था कि ये जनरली क्या होता है कि जो आपको क्या होता है, संवहन बंडल, कहोगे सर ये संवहन बंडल क्या होता है, आगे देखेंगे हम। संवहन बंडल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, जो जालों में फ्लो होता है उसके समीप क्या होती है बेटा, ये स्थित होती है। और मैक्सिमम आपको जो सीड होता है उसके आउटर कवरिंग जो तब बनी रहती है उसमें भी आपको क्या होता है, ये स्क्लेरल काइमा ही पाया जाता है। देखो ना, आम की गुठली को कवर करता है, उसमें भी हार्ड होता है, वो क्या है, स्क्लेरल काइमा ही है। तो ये सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे हमने टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया, जो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के, ठीक है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आपको देखते हैं। हमने परमानेंट टिश्यू अभी पढ़ा, जिसमें हमने दो प्रकार का पढ़ना है, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ना और कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। तो परमानेंट टिश्यू कैसे डिफाइन किया हमने, कि वो मैथमेटिक टिश्यू से रूपांतरित पार्ट्स होती हैं, बनी होती हैं, जिसके पास डिवाइडेशन की एबिलिटी नहीं होती है। ये दो प्रकार की होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा क्या, मोस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा होती है जो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, जो लिविंग सेल होती है जिसमें फूड का स्टोर होता है। पैरेन्काइमा में यदि आपको कुछ क्लोरोफिल पाई गई तो उसे कहा जाता है क्लोरेन्काइमा, और कुछ में अगर एयर आपको कैविटी पाई जाती है जो फ्लोट करने वाले पौधे होते हैं उसे कहते हैं हम एरेन्काइमा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमने कोलेनकाइमा कहा, जो पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लचीलापन होता है, वो किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण होता है। और जो स्क्लेरेनकाइमा होती है वो बहुत टफ होती है, हार्ड होती है, और वो बड़ा मजबूती प्रदान करती है, और किस सेल की बनी होती है, डेड टिश्यूज की बनी होती है, और उसकी सर्वाल लिग्निन की बनी होती है और बहुत मोटी होती है, ठीक है। और वो सीड के कवरिंग पे, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने बताया कोकोनट का ऊपरी वाला छिलका जो होता है उसमें सबसे पाया जाता है, तो ठीक है। तो आज का लेक्चर हम बेटा यहाँ पे आपको क्लियर कर लेते हैं, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो हमने आज पूरा कंप्लीट किया सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम पढ़ेंगे बेटा क्या कहते हैं, उससे पहले एनसीईआरटी में दे दिया एपिडर्मिस के बारे में, तो कल हम आपको डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस के बारे में, उसको पढ़ के भी आइएगा और लेक्चर बिल्कुल समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।